पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने गुमला विधानसभा सीट के लिए आज अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा जेएमएम भाजपा सहित अन्य दलों ने अपना पर्चा दाखिल किया। बुरी है, खास करके विकास की दृष्टि से उन्हों अधूरी कार्यों को मैं यहाँ की जनता अवसर देती है सेवा करने का, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के माताओं के लिए और विशेष रूप से यहाँ के बीच, खास करके इस जिले में एक युवाओं के बीच में एक रोजगार की जो एक समस्या है, कैसे रोजगार की समस्या हल हो, सबको रोजगार मिल सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही यहाँ कई सांस्कृतिक और आस्था से जुड़े हुए यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं। बाबा टांगनाथ का मंदिर है, हमारे पुराव जनजाति समाज के लिए एक बड़ी ही पढ़ाई का आस्था के केंद्र है सीरा सीता। ऐसे चाहे हमारे पर्यटक स्थल के रूप में हमारे रायडी के हीरादा हों, ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जो जिसके माध्यम से हम यहाँ के युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं, पर्यटन से जोड़ के निश्चित रूप से वो मेरे प्राथमिकता में रहेगा। सर पिछले मैं इस विषय को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज भी विकास के काम हुए हैं, क्योंकि विकास का काम निरंतर चलता है। आज बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है, बिजली गांव तक पहुंची है, आज गांव-गांव तक आज नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज विकास के जो काम अधूरे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, ऐसे कई बुनियादी जो आवश्यकताएँ हैं जो आज भी जो आधी अधूरी है, उन्हें मैं पूरा करने का मैं प्रयास सर है। और चुनाव का समय है, बड़ी पार्टी है, बड़ी दल है, राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज सदस्यता के मामले में स्वाभाविक है, परिवार बड़ा होने के नाते छोटी मोटी खटपट इस प्रकार का विषय आता है। लेकिन हमारा ये पार्टी का मामला है, हमारे घर का मामला है, हम मिल बैठ के निश्चित रूप से समस्या का हल करेंगे। जैसा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, और मैं तो विशेषकर अरुण जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मोर्चे के अध्यक्ष जी हैं शंकर जी, ये संयोग कहना चाहिए कि वैसे पहले भी मैं आता था और आज कल ही मुझे कहा कि अरुण जी के नॉमिनेशन में जाना है, तो इस दृष्टि से ही आना हुआ। और मैं बधाई देता हूं और आप सबको भी कि जैसा झारखंड के अंदर सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है, देखिए इससे आदिवासियों में हताशा का भाव आया है। हेमंत की गतिविधियों के बारे में यहाँ के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से भी झारखंड की गतिविधियों को जानता हूँ, और इसलिए सरकार पूरी तरह फेल रही है और इसलिए अब लोग विश्वास नहीं करेंगे आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और विकास को आधार बना करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और झारखंड में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। ऐसा है मंत्री जी, देखिए मैं चेयरमैन हूँ पार्लियामेंट कमेटी का, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का उनका जो ओपिनियन आया, उनने कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, उनका ओपिनियन था। मैंने कोशिश किया, लगभग 100 मेंबर पार्लियामेंट को मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलवाया। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल एसटीएससी पर लागू नहीं होगा, ये क्लियर और शाम के कैबिनेट का फैसला हुआ। ये पहला उदाहरण है। इसके पहले उस समय 1994-95 में जब आरक्षण प्रतिबंध हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी,
उस समय भी सहयोग से मुझे अटल जी के सरकार में मंत्री के नाते काम करने का मौका मिला। मैंने प्रधानमंत्री उस समय के अटल जी को मैंने कहा, और 3 दिन सारे मेंबर पार्लियामेंट ऑल पार्टी हमने एक कार्यशाला की, और जब संविधान में संशोधन का विषय आया तो जो आज कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं, देखिए अगर आरक्षण पे प्रतिबंध लगा है तो बिना इस पे अमेंडमेंट किए संविधान में ये आगे लागू नहीं हो सकता, ये कांग्रेस के लोगों को पता होना चाहिए। और उस समय अमेंडमेंट हुआ और फिर हमने इस आरक्षण को बहाल किया, आरक्षण निरंतर हमने किया। ये 2 घटना मैंने देश के बता रहा हूँ, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। और इसलिए ये केवल राजनीतिक गुमराह करने के लिए पूरे देश में STSC के साथ में ये जो व्यवहार कर रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये जो कर रहे हैं। अरे जब आरक्षण समाप्त हुआ तब कांग्रेस ने चिंता नहीं किया, आज जब क्रिमिनल हमने साफ तौर से कहा कि इस पर लागू नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा और हमारा भी ज्ञापन यही था।